हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, तो मैं आपको बताने वाला हूं जीबी व्हाट्सएप की कुछ 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली हैं। दोस्तों, आप जैसे किसी व्यक्ति को फ़ोटो भेजते हैं लेकिन ये चाहते हैं कि आप उसके मोबाइल में वो सेव ना कर पाए, हम यहाँ से डिलीट कर दें तुरंत, तो आप ऐसा करने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। सिर्फ एक क्लिक से आपकी फ़ोटो सेंड होगी और उसके देखते ही तुरंत ही 2 सेकंड में उसके फ़ोन से अपने आप ही डिलीट हो जाएगी। दोस्तों, जी व्हाट्सएप में जहाँ ये व्हाट्सएप लिखा हुआ आ रहा दोस्तों, वहाँ आपका नाम शो करेगा दोस्तों। तो ये व्हाट्सएप हम वहाँ आपका नाम शो करेगा, ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग बताएंगे दोस्तों। हम वॉइस मैसेज चेंज करके भेज सकते हैं दोस्तों, किसी को वॉइस मैसेज भेज रहे हैं तो हम उसको वॉइस को अपने चेंज करके भेज सकते हैं ऐसी। प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इस तरह की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। अब हम शुरू करते हैं सेटिंग। तो फर्स्ट नंबर की सेटिंग में हम आ जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट नंबर में फ़ोटो भेज के, मतलब किसी को आप फ़ोटो भेजेंगे तो 2 सेकंड में ही डिलीट हो जाएगी उसके फ़ोन से। आपको एक क्लिक में फ़ोटो भेजेंगे और वो स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाएगा। चलिए मैं फ़ोटो भी भेज के दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैं इनको कोई फ़ोटो भेजता हूँ, जैसे उस व्यक्ति को, चलो मैं कोई फ़ोटो चूज के ले रहा हूँ। जैसे मैंने ये फ़ोटो चूज कर ली, ठीक है। अब यहाँ सिर्फ क्या करना है, आपको ये 1 वाले ऑप्शन में एक बार क्लिक कर देना है दोस्तों। तो एक क्या होगा कि जैसे ही आप फ़ोटो यहाँ से सेंड करेंगे, वो बस एक ही बार देख पाएगा, एक बार देखेगा और जैसे ही बैक होगा तो उसके फ़ोन से वो फ़ोटो डिलीट हो जाएगी। तो जैसे हम इसको ऐसे भेज देंगे तो देखिए दोस्तों, ये फ़ोटो सेंड हो चुकी है। अब जिसके पास, जिस व्यक्ति के पास गई होगी, वह बस एक बार देखेगा और उसके बाद वो फ़ोटो वहाँ से डिलीट हो जाएगी अपने आप ही, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। तो कैसी लगी दोस्तों फर्स्ट सेटिंग? बहुत ही यूजफुल होने वाली है आपके लिए। तो चलिए आ जाते हैं हम अपने सेकंड सेटिंग में। सेकंड सेटिंग में हम आपको बताएंगे वॉइस चेंजर। जैसे आप किसी को मतलब वॉइस मैसेज भेजना चाहते हैं दोस्तों, या कि किसी से फ्रैंक करना चाहते हैं, तो आपको अपने वॉइस को आप चेंज भी कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसे हम किसी की, जैसे हम इनको कुछ भी भेजना चाहते हैं इस व्यक्ति को, तो हम यहाँ आप 3 डॉट में क्लिक करेंगे दोस्तों। 3 डॉट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा, ये आपके सामने वॉइस चेंजर का ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों। तो इसमें आप एक बार क्लिक कर देंगे, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। जैसे चलिए हमने ये डीप वाला सेट कर दिया दोस्तों। अब हम आ जाएंगे बैक। तो हमने यहाँ से इस मैसेज को भेजा है, आप सुन सकते हैं। देखिए कितनी मोटी आवाज़ है, चेंज आवाज़ है एकदम, हमारी आवाज़ कोई पहचान नहीं सकता। जिसको हम मैसेज करेंगे, वो सामने वाला व्यक्ति हमारी आवाज़ पहचान ही नहीं पाएगी कौन बोल रहा है। आप फ्रैंक भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ दोस्तों। तो ये भी ट्रिक बहुत यूजफुल होने वाला वॉइस चेंजर। आप वॉइस चेंज करके किसी को भी आप सेंड कर सकते हैं अपनी आवाज़ को, अपने मैसेज को, वॉइस मैसेज को। तो ये भी बहुत यूजफुल है दोस्तों आपके लिए। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट सेटिंग में। नेक्स्ट सेटिंग में हम आपको बताएंगे, जैसे आप किसी कॉन्टैक्ट में क्लिक करते थे तब आपको पता चलता था ये व्यक्ति ऑनलाइन है या नहीं, बट आपको उनके क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको होम स्क्रीन में ही पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति ऑनलाइन है और कौन व्यक्ति ऑनलाइन नहीं है। आपको यहाँ बगल में ही पता चल जाएगा, सोडो साइड में यहाँ नीचे आपको यहाँ लिखा आ जाएगा ऑनलाइन, तो आपको बगल में ही पता चल जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, साइड में ही आपको दिखेगा यहाँ पे कि ऑनलाइन, कौन व्यक्ति ऑनलाइन है, कौन व्यक्ति ऑनलाइन नहीं है। तो इसके लिए हमको यहाँ प्लस वाले आइकन में क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों। आपको ये वॉच वाला ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, आपको इसमें क्लिक करना है दोस्तों। ये वॉच बनी दिख रही होगी, इसमें आपको क्लिक कर देना है। एक बार पर क्लिक कर देंगे दोस्तों तो साइड में शो होने लगेगा कि कौन व्यक्ति ऑनलाइन है कि कौन व्यक्ति ऑनलाइन नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये व्यक्ति कितने बजे ऑनलाइन था, ये सब हमको दिखने लगा दोस्तों। ये साइड में टुडे कितने बजे व्यक्ति ऑनलाइन था, कितने बजे ऑनलाइन नहीं था, ये सब हमको यहीं सामने ही शो करने लगेगा दोस्तों। देखिए यहाँ से हमारा ये सब शो कर रहा है कौन व्यक्ति ऑनलाइन है या कौन व्यक्ति, अभी इस समय कोई ऑनलाइन नहीं है तो अभी ऑनलाइन इसमें नहीं दिख रहा, लेकिन ये दिखा दे रहा है कि ये व्यक्ति कितने बजे ऑनलाइन था, टाइम दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो आप ये सेटिंग भी कर सकते हैं दोस्तों।
तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेटिंग में दोस्तों, बताएंगे दोस्तों आप यहाँ होम स्क्रीन में बैकग्राउंड अपनी, यहाँ बैकग्राउंड में जो आपकी होम स्क्रीन दिख रही है यहाँ आप अपनी फ़ोटो कैसे लगा सकते हैं दोस्तों। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसके लिए आपको यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों, और यहाँ जाना है आपको जीबी सेटिंग में। जीबी सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको जाना है यूनिवर्सल में। यूनिवर्सल में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ फर्स्ट में मिल जाएगा कलर्स। कलर्स में जाएंगे आप तो यहाँ आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों। देखिए आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, आपको आप इसमें आपको क्लिक कर देना है तो यहाँ नीचे आपको फ़ोटो का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम फोटो चूज कर लेंगे कोई सी भी, तो हम कोई सी भी एक फ़ोटो चूज कर लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ से सेट वॉलपेपर, ये हमारा सेट वॉलपेपर सेट हो चुका है। अब हम यहाँ से आ जाएंगे बैक। देखिए दोस्तों हमारे बैकग्राउंड में हमारी फ़ोटो लग चुकी है दोस्तों। तो ऐसे आप भी अपने बैकग्राउंड में फ़ोटो लगा सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ से जैसे हमको हटाना है तो वहीं जाके सिंपल से आप जीबी सेटिंग में जाएंगे आप, और जीबी सेटिंग में जाएंगे, यूनिवर्सल में जाएंगे, कलर्स में जाएंगे, बैकग्राउंड में जाएंगे, सॉलिड कलर में आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो आपके बैकग्राउंड सेम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा जैसे पहले था। तो ऐसा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। तो अब आ जाते हैं सबसे लास्ट सेटिंग में अपनी व्हाट्सएप में, जहाँ आपको ये व्हाट्सएप ऊपर लिखा आ रहा है दोस्तों, यहाँ आपका नाम शो कैसे होगा, हम यहाँ आपका नाम शो करके दिखाएंगे दोस्तों। आप अपना यहाँ नाम शो करवा सकते हैं व्हाट्सएप की जगह। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो हम यहाँ से जाएंगे थ्री डॉट में। थ्री डॉट में जाने के बाद यहाँ आपको जाना है जीबी सेटिंग में। जीबी सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको जाना है होम स्क्रीन में। होम स्क्रीन में आ गए दोस्तों, अब यहाँ से जाना है आपको हेडर में। हेडर में आने के बाद दोस्तों आपको, तो दोस्तों देखिए यहाँ आपको मिल जाएगा सेट माई नेम, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है दोस्तों, इसको यहाँ से ऑन कर देना है। तो जैसे हम इसको ऑन कर देंगे दोस्तों, अब हम आएंगे बैक, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ हमारा नाम शो हो रहा है, यहाँ पे हमारा नाम शो हो रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, व्हाट्सएप की जगह मेरा नाम यहाँ पे शो होने लगा है दोस्तों। तो ये सारी सेटिंग आप भी कर सकते हैं दोस्तों, बहुत यूजफुल सेटिंग थी दोस्तों। तो आप भी वीडियो को अच्छे से देख के ये पूरी सेटिंग अपने मोबाइल में, अपने जीबी व्हाट्सएप में कर सकते हैं दोस्तों। कैसी लगी दोस्तों आपको आज की वीडियो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहें दोस्तों। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।